Okay, good afternoon everyone. My name is Rajat and this is first time that associate with an academy or any digital platform. चलिए शुरुआत करते हैं आज मेरे पहले लेक्चर का. तो विश मी लक एंड एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर की अन अकेडमी के साथ. ओके चलिए फ्रॉम बिगिनिंग चलिए लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विथ अस टॉप एजुकेटर. क्वालिटी कंटेन ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. तो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में आपके साथ सब शेयर करता हूँ कि मेरा नाम है रजत बोहरा और पिछले में 7 साल से ज़्यादा मुझे हो गया है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर. भारत में जो अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ पे अपनी मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की है सब्जेक्ट्स को लेके. मेरे सब्जेक्ट रहे हैं पॉलिटी रही है, इकोनॉमी रहा है, करंट अफेयर्स रहा है और दूसरे जो आपके रीजनिंग है वगैरह जो सब्जेक्ट है उनके बारे में मैंने अलग अलग संस्थानों में पढ़ा है. तो बेसिकली दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम एसोसिएट विथ एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म और जो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एन अकेडमी टीम जिन्होंने मुझे अपने साथ एसोसिएट किया इस परिवार के साथ. और ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है और बेसिकली मेरा जो एक वे ऑफ मेथड है टीचिंग का वो थोड़ा इनोवेटिव रहता है, थोड़ा मैं कंसेप्चुअल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखता हूँ. तो बेसिकली ये जो मेरे लेक्चर्स हैं बेसिकली अब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों तक मेरी रीच होगी. तो मेरे जो दो मेन रीज़न है अनअकैडमी के साथ एसोसिएट होने का, सबसे पहला रीज़न यही है कि अनअकैडमी की जो रीच है वो भारत में बहुत बड़ी है और ऑलमोस्ट बहुत बड़े एक स्टूडेंट्स ग्रुप का जो एक ट्रस्ट है अनअकैडमी के पास है. दूसरा वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो अन अकेडमी ने लॉन्च किया है वो बहुत ज़बरदस्त है. और तीसरा जो भारत के टॉप एजुकेटर्स हैं जितने भी बेस्ट टीम है एजुकेशन के अलग अलग कोर्सेज को लेके वो सभी अन अकेडमी पे एसोसिएट हैं. तो मैंने भी अपने आप को अब एसोसिएट किया है. होप जिस उम्मीद के साथ अन अकेडमी ने मुझे एसोसिएट किया है मैं भी वो डिलीवर करूँ और अन अकेडमी और मेरी टीम और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ ताकि मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़ सकें. तो शुरुआत करते हैं, लेट्स क्रैक RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि सर हम रजिस्टर कैसे करें. दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में रहता है. तो हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी. तो देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको अपना मोबाइल उठाना है जो आजकल हम सबके पास जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली उसमें जाके आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर जहाँ पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो आपके सामने स्क्रीनशॉट दे रखा है उसको एक इंस्टॉल करना है और जो थोड़े बहुत इसमें एक इंक्वायरी जैसे आपका नाम आपका एड्रेस वगैरह जो एक फॉर्म में फिलअप करके आपको अपने मोबाइल में इसको सेव करना है. तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा आपका मेरा एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा. चलिए अब हमें मिलेगा क्या सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक किसी भी विद्यार्थी के मन में होती है कि सर इस प्लेटफॉर्म ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग कैसे, इसमें हम क्या अलग देने वाले हैं. तो देखिए बेसिकली जो मेन चीज़ है मैं आपको भी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, यानी मैं अपने चैनल में अपने प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूँगा. जैसा एक्सपीरियंस आपको अपने क्लासरूम में होता है वैसा ही एक्सपीरियंस आपको इस प्लेटफॉर्म पर होगा. कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको रेज करना हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर करना हो उसी लाइव क्लास में कमेंट के थ्रू मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं और उसी समय आपको उसका आंसर दिया जाएगा. दूसरा होगा कि मेरे जो कोर्सेज होंगे उसमें मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ पजल्स, कुछ टेस्ट आपके लिए डिजाइन किए जाएंगे. यानी जो टॉपिक आपने क्लियर किया है यानी लेक्चर आपने अटेंड किया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपना इवोल्यूशन कर सकें और बेसिकली जिसके थ्रू हमें कंसेप्ट या हमें क्या कमी रह गई है, क्या हमें क्वेश्चन पूछना है वो आपका क्लियर हो सके. थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑलमोस्ट कोई दूसरा चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स. सबसे पहली बात यानी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही तरह का कंटेंट हर एक सब्जेक्ट या हर एक एग्जाम के लिए दिया जाएगा. आपका जो एग्जाम है जिस लेवल का आप एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो क्लैरिकल एग्जाम है, चाहे वो UPSC है, चाहे वो RS है, वो पटवारी है, तो आपको उस एग्जाम के रिलेटेड ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा. उससे रिलेटेड ही यानी उसका स्ट्रक्चर कितना वाइड है, कितना उसकी लिमिटेशन है, उसके आधार पर ही आपका कोर्स डिजाइन किया जाएगा. और चौथा जो आपको पता है अनलिमिटेड एक्सेस, यानी आप उसको कहीं पे भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी स्टूडेंट जो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा और जब भी उसको समय मिलेगा वो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने मोबाइल के थ्रू अपने लैपटॉप के थ्रू कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसके इसका जो प्राइस है या इसका जो मेन इकोनॉमिक जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है. तो देखिए जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली आपको 1 मंथ से 24 मंथ तक का हमने इसमें डिज़ाइन किया है. तो जो RPSC का जो मेन हमारा टारगेट है, जैसे मैं अगर मैं पर्सनली बच्चों को सलाह देता हूँ कि बेसिकली आप 12 मंथ या 24 मंथ के लिए आप इसमें अप्लाई कीजिए. इसका सबसे पहला रीज़न है इकोनॉमिक वाइज बहुत ही चीपर है और जैसे आप सबको पता है कि बेसिकली अन अकेडमी जो प्लेटफॉर्म है वो भारत का सबसे लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है
जिसमें जो कोर्सेज की फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और बहुत ही लो कॉस्ट पे हम एक हाई क्वालिटी कंटेंट इसमें डिलीवर करते हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और अगर आप 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए इसमें जाओगे तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अगर इसमें आप मेरा कोड यूज़ करते हैं RBYT तो ये प्राइस अगर इस पास वाले स्क्रीन में देखें तो 10% का डिस्काउंट भी आपको इसमें मिलेगा। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक वाइज बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, अपने घर बैठे कहीं पे भी इसका एक्सेस कर सकते हैं, जितने चाहे टाइम आप लेक्चर्स देख सकते हैं और कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर। सबसे पहला पॉइंट हमें ये डिस्कस करना है कि हमारा जो मेन पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे आज टॉपिक लिया है क्लासेस का, तो वो क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर इन राजस्थान स्टेट एग्जाम, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। तो देखिए बच्चों, जिसमें ये दो पॉइंट है उसको, सबसे पहले पॉइंट को मैं अपना समझाना चाहूँगा, पॉइंट सेकंड को देखिए। हम कई तरह के एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे पटवारी का भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं, जूनियर अकाउंटेंट का भी करते हैं, RS का भी करते हैं, बैंक, SSC, कई तरह के एग्ज़ाम्स के हम फॉर्म फिलअप करते हैं। तो क्या ये सारे एग्ज़ाम एक जैसे हैं? नहीं। क्या ये सारे एग्जाम का सिलेबस एक जैसा है? नो। क्या ये सारे एग्जाम के सब्जेक्ट सेम है? नहीं। तो डेफिनेटली जब सभी एग्जाम के सब्जेक्ट सेम नहीं हो सकते तो उनका कॉन्सेप्ट भी सेम कैसे होगा? तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ये मैं अपनी क्लास में स्टार्टिंग में क्यों समझाता हूँ कि देखिए सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, यानी जो बच्चे सेलेक्ट हैं जॉब कर रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं या जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है कि देर आर सम स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम एंड देर आर सम स्टूडेंट हु आर लैकिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों पे ये एक बड़ा फोकस रहता है कि मैं जिस एग्ज़ाम की क्लास ले रहा हूँ, चाहे वो पटवारी की ले रहा हूँ चाहे वो RS की ले रहा हूँ, उसको उस पहले दिन एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि बेसिकली उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद वो एग्ज़ाम में अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। देखिए सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। जैसे अगर आपको क्रिकेट पसंद है, जैसे अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन अगर आपको क्रिकेट के लिए बोला जाए तो आप 10 घंटे क्रिकेट खेल लेंगे, फुटबॉल खेल लेंगे, चेस खेल लेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने क्रिकेट, चेस, फुटबॉल खेला, कैसे खेला? जब तक आप उसके रूल रेगुलेशन आपको बता दें, आपने उसके बारे में प्रैक्टिस की थी और कई लोगों को खेलते हुए देखा था, तब आपको लगा कि यार नहीं अच्छा खेल है, मुझे भी खेलना चाहिए। तो एग्जैक्टली एग्जाम में क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी यही होता है कि बेसिकली आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब जाके आप उसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छा मॉड्यूल तैयार कर पाएंगे और आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा मेन फोकस यही है कि आपको सबसे पहले समझाया जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम क्या होता है। जैसे सपोज करो मैं आपको दो एग्जाम का एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक होता है बैंक एग्जाम, एक होता है SSC एग्जाम, आप सबको पता होगा। तो बैंक एग्जाम में और SSC एग्जाम में एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, यू नो दैट। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या दोनों की रीजनिंग का लेवल सेम है, आपका आंसर होगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप लोग सही हैं, क्योंकि बैंक और SSC के रीजनिंग का लेवल जमीन और आसमान को टच करता है। अगर आप में से अभी बच्चों को अभी अगर रीजनिंग का SSC का एक मॉडल पेपर दिया जाए तो अभी बिना प्रिपरेशन के आप 10 to 15 या 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे और काफ़ी क्वेश्चन आप सही भी कर लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको बैंक का अगर मॉडल टेस्ट पेपर दिया जाए, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के क्वेश्चन के पैटर्न में, उनके आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बैंक आपसे पजल्स काफ़ी पूछता है और SSC में मिक्स क्वेश्चन आपके काफ़ी आते हैं। तो डेफिनेटली बैंक का जो पेपर है रीजनिंग का, विच इज़ मच टफर देन SSC, तो डेफिनेटली आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है बैंक में रीजनिंग का, वो एज कम्पेयर टू SSC हाई रहता है। अब क्यों? क्योंकि आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है कि बैंक में एक पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी बैंक का जो एग्जामिनर है वो ये चेक करता है कि बेसिकली मेरे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है या मेरा जो क्लर्क है उसमें ये लिमिटेड जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए और ये रिक्वायरमेंट मुझे उनसे चाहिए। तो जो IBPS है उसके आधार पे पेपर को सेट करता है। जैसे रीजनिंग टफ होने का रीज़न क्या है कि आपके जो मेंटल एबिलिटी है किसी भी ऑफिसर की, किसी भी बैंक कर्मचारी की, बहुत हाई होनी चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि उस बंदे को एक ही तरह का काम करना है लाइफ टाइम में और हजारों लाखों बंदों से डील करना है डेली बेसिस पे। सैकड़ों लोग बैंक में जाते हैं, उनको सबको आंसर देना, सर्विस प्रोवाइड करना, प्लस बैंक का भी ध्यान रखना। तो
इस पर्टिकुलर काम के लिए आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसका लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो आपसे कैसे जज करेगा, आपको रीजनिंग में वो पजल्स ज़्यादा देगा कि कम समय में जितना एक्यूरेसी के साथ कितना जल्दी तेज दिमाग बंदे का दौड़ रहा है, यही आपको क्या करता है, आपको सिलेक्शन करवाता है। और बैंक को उसका एक ऑफिसर, उसका एक क्लर्क, एक जो भी उसको बंदा चाहिए वो उसको मिल जाता है। और एसएससी में क्या है, एसएससी में देयर आर वेराइटी ऑफ जॉब्स, यानी एसएससी क्या हो गया, वहाँ पे जो बंदा सेलेक्ट होता है वो पानी की तरह हो गया। यानी बेसिकली आपको वहाँ पे जीएस पूछा जाता है ना कि जीके, राइट? क्यों? क्योंकि बेसिकली वहाँ पे आप सीबीआई ऑफिसर भी बन सकते हो, कस्टम में भी जा सकते हो, एक्साइज में भी जा सकते हो, और एग्जामिनर भी बन सकते हो। तो बेसिकली जैसे आईएएस है, तो आईएएस में क्या है कि बंदा सेलेक्ट होता है कॉमन एग्जाम के थ्रू, लेकिन उसको पोस्ट कुछ भी मिल सकती है। यानी आज वो बंदा किसी शहर का डीएम है, या तो पर्टिकुलर कल किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हेड हो सकता है, परसों वो किसी वाटर वर्क्स वाटर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो हेड हो सकता है, या एजुकेशन सीबीएसई का डायरेक्टर बन सकता है। तो देर आर वेराइटी ऑफ जॉब्स, यानी उसको एक पानी की तरह है जो किसी भी पात्र में ढल जाए, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दोज एग्जाम। सो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम, हमने किस एग्जाम के लिए ऑप्ट किया है, और उसके बाद अगर हम अपना प्रिपरेशन का जो स्टार्ट करें तो एक जैम जो है वो एक स्टूडेंट और उस एग्जाम के बीच में बन जाता है। जब तक आप एक स्टूडेंट जो है एक जैम क्रिएट नहीं करेगा, यानी बेसिकली अपना एक जुड़ाव, एक लगाव, एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेगा, तब तक वो गवर्नमेंट एग्जाम में वो मेहनत नहीं दे पाएगा जो उसको देनी चाहिए। और ऑब्वियसली अभी का जो हम टाइम देख रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी मच टफ, बिकॉज अब जो कॉम्पिटिशन है, अभी जो हम सिनेरियो देख रहे हैं वो और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जैसे हमने हालात देखे हैं गवर्नमेंट, अभी जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि बेसिकली अगर आपने अगर अपने आसपास किसी चीज़ों को सिक्योर देखा है, किसी बंदे को सिक्योर देखा है, तो आपके मन में क्या आंसर आएगा कि सर हमने गवर्नमेंट जो जॉब करने वाले बंदे थे ना, जो पुलिस थे, हॉस्पिटल के लोग थे, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग थे, हाँ कुछ लोग ऑफिस नहीं जा रहे थे, लेकिन दे आर फील सिक्योर। क्यों सिक्योर थे? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। चाहे सर उनकी 15,000 सैलरी थी, लेकिन सर उसकी सैलरी टाइम से आ रही थी, हाँ उसके ऑफिस कॉल नहीं आ रहा था, कि ऐसा नहीं कि अभी कल को आपको काम पे नहीं आना। सो इस चीज़ को देखेंगे, यानी जो बंदे ने 10th कर ली, 12th कर लिया, जो ग्रेजुएट कर चुका है, तो डेफिनेटली वो चीज़ क्या करेगा, अपने गवर्नमेंट एग्जाम की डेफिनेटली प्रिपरेशन करेगा, ताकि वो अपने फ्यूचर को क्या कर सके, सिक्योर कर सके। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कॉम्पिटिशन अभी जितना है उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब जब इतना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, क्या पोस्ट बढ़ेगी? नो। तो डेफिनेटली हमें उस कंपटीशन में मेरिट मारने के लिए, डेफिनेटली उस कॉन्सेप्ट को समझ के अगर हम तैयारी करेंगे, तो आपका जो जैम है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और एक बार अगर आपने जैम क्रिएट कर लिया, तो आपको कभी भी मोटिवेशन होने के लिए किसी यूट्यूब वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डेफिनेटली आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करना है मुझे इसमें, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर इन द राजस्थान स्टेट एग्जाम। देखिए, एक और पॉइंट मुझे आपसे जो डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जैसे अभी हमने देखा कई लोगों ने, जैसे अभी जो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 के वजह से, तो कई मज़दूरों ने पलायन करना शुरू किया, अपने अपने राज्यों की तरफ गए, कुछ ट्रेन, कुछ बसों से, कुछ पैदल ही रवाना हो गए। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अब आगे जब थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होगी और जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी जॉब्स को अनाउंस करेगी, तो डेफिनेटली जो बंदा जिस स्टेट से बिलोंग करेगा, डेफिनेटली वहाँ पे वो ट्राई करेगा कि सबसे पहले अगर मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब मिले तो मुझे मेरे स्टेट में मिले। तो जैसे अपना राजस्थान स्टेट है, तो राजस्थान स्टेट में क्या है कि किसी भी स्टेट का बंदा अपना एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे हम भी राजस्थान के भी कई लोग जो हैं दूसरे स्टेट के एग्जाम दे सकते हैं। तो डेफिनेटली अब कंपटीशन और ज़्यादा तेज होगा, और डेफिनेटली सभी बंदे चाहेंगे कि वो अपने स्टेट में काम करें। तो डेफिनेटली हमें भी ये देखना है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो जॉब निकाले, तो उसमें हमारा सिलेक्शन कैसे अश्योर हो, कैसे हम अपने सिलेक्शन को पक्का करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अब उसको सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि अगर हमें किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवाना है, हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आज के जो 3-4 साल का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की है कि करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंस है, वो हमारे स्टेट एग्जाम से लेकर नेशनल एग्जाम तक में इसका जो वेटेज है, उसका जो पैटर्न है, वो बहुत बढ़ गया है। तो इस चीज को हम डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की, कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले जो मेरा लेक्चर रहेगा वो एक पर्टिकुलर फोकस पे रहेगा, वो रहेगा 360 डिग्री व्यू। अब सर ये क्या चीज़ है, इसको मैं अभी इस लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। फोकस ऑन 360 डिग्री व्यू ऑफ इवेंट्स लाइक नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऐड किया है 360 डिग्री व्यू। तो सर ये क्या चीज़ है, देखिए इसको मैं अभी रिसेंट के करंट एग्जाम्पल से आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। कि देखो, सपोज़ करो कि कोई करंट इवेंट्स है, जैसे हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखिए, करंट अफेयर, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि करंट अफेयर को रटा नहीं जा सकता।
मैं आज खुद मेरे को 7-8 साल हो गए, मैं डेली चीज़ों को रिवाइज करता हूँ। इसका एक ही तरीका है कि अगर आपको जीएस के अंदर या जीके के अंदर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, देर आर ओनली वन वे कि आपको करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा विथ योर हैंडमेड नोट्स, तभी आप इसमें अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। और दूसरा, करंट अफेयर का जो पेपर होता है या पर्टिकुलर जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर लाइक मैथ्स, कि अगर आपको आंसर आता है तो आपको विद इन 3 to 5 सेकेंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, और अगर आपको नहीं आता है तो पूरे दिन बैठ सकते हैं लेकिन आप इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते, यानी यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट वाइल योर आंसरिंग। तो बेसिकली ये कैसे एश्योर किया जाए और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने क्यों बताई, बिकॉज यही वो सब्जेक्ट है जो आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो डिस्कस किया कि यू हैव टू बीन मेरिट, तो यही वो सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट में सबसे आगे ला के खड़ा करता है या आपकी जो जॉब की जो सीट है उसको वो सिक्योर करता है। तो करंट अफेयर में अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, जो मैं आपको करवाऊंगा अपने इनोवेटिव मेथड के थ्रू, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत चीज़ों को क्लियर करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक अपनी एक झलक दिखाई है 360 डिग्री व्यू। जैसे सपोज करो, जब रिसेंट का एक इवेंट हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस, राइट, बिकॉज अभी ये काफ़ी चल रहा है। तो बेसिकली अभी कोरोना वायरस को अगर हम इस न्यूज़ को हम देखें तो ये किस किस सब्जेक्ट को रिलेट करता है और हमारे स्टेट का रोल इसमें कैसे रहता है। देखिए, सबसे पहले कोरोना वायरस एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, एक वायरस है, तो वायरोलॉजी जो है बेसिकली जो सब्जेक्ट है उससे रिलेट करेगा। प्लस ये किसका पार्ट आ गया, साइंस का, तो देर इज़ अ वन सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की। ये कोरोना वायरस के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपका मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यानी क्या, पॉलिटी, पॉलिटी का क्वेश्चन, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चन। अशोक गहलोत यानी राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। तो ये एक जो क्लैरिकल या जो क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं हमारे राजस्थान में, उसके लिए स्टैटिक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि अभी रिसेंट का करंट अफेयर हो गए। प्लस अभी उन्होंने आदेश क्या दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धारा 144 इम्पोज की है पूरे स्टेट में, तो अब ये धारा 144 किसका पार्ट है, पॉलिटी के, तो अगेन पॉलिटी, यानी देखिए कोरोना वायरस हमने शुरू किया और पॉलिटी तक हम पहुंच गए। अब इसके आगे क्या आता है, एक और पॉइंट हम देखते हैं, WHO जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अगेन कोरोना वायरस, राजस्थान गवर्नमेंट, धारा 144, नाउ WHO। तो WHO किसका हो गया, इंटरनेशनल इवेंट, यानी ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अब हमारे लिए यहाँ पे क्या हमें तैयार करना है कि WHO कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेड कौन है, डायरेक्टर कौन है, कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से इसके सब्सिडरी जो इसके संगठन है वो कौन कौन से हैं, किस किस देश में इसके ऑफिसेज हैं, कहाँ नहीं है, तो ये सारे क्या बन गए आपके, स्टैटिक क्वेश्चन। और अभी के जो रिसेंट एक्शन प्लान है वो का क्या बन जाएगा, डायनामिक ऑप्शन। तो बेसिकली करंट अफेयर को हम दो तरीके से तैयार करते हैं, एक तो स्टैटिक पोर्शन विच इज फिक्स, एक डायनामिक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री व्यू, यानी पर्टिकुलर इवेंट के साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो अभी आपने देखा हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया कोरोना वायरस, जिससे हमने बेसिकली मल्टीपल सब्जेक्ट को टच किया। तो अब अगर मेरा, अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो RS के अंदर आए चाहे वो पटवारी के अंदर आए, तो मैं अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसे एकदम क्या हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ। अब से इसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे इसे साइंस का क्वेश्चन पूछे आई एम रेडी, इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पूछे आई एम रेडी, इसे अगर पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए तो आई एम रेडी। तो ये अप्रोच के साथ अगर हम करंट अफेयर को करें तो आई थिंक हम हमारे नंबर को और हमारे एक्यूरेसी को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि तो मैंने अपने क्लासरूम में ये कहीं इसी अप्रोच को मैंने पढ़ाया है और काफ़ी बच्चों को बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा हुआ है, और इसी रिस्पॉन्स मुझे जो मिला है बहुत ही पॉजिटिव मिला है, सिलेक्शन वाइज पॉजिटिव एक रिस्पांस मुझे इसका मिला है। तो डेफिनेटली इस अप्रोच के साथ वो आप लोगों को भी फायदा मिलेगा, डेफिनेटली ऐसे ही नोट्स आपके बनाए जाएंगे ताकि आप अपने करंट अफेयर को एक बहुत ही हाई लेवल अप्रोच के साथ तैयार करें, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठें पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा एक एम है कि आप लोगों को इस तरह का कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँ। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, एक्स्ट्रा फोकस ऑन स्टेट मैटर। जैसे मैंने आपको बोला कि अपना जो चैनल है वो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम है, तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम अगर स्टेट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करेंगे, जैसे अगर RS है, पटवारी है, कोई भी, तो डेफिनेटली उसमें स्टेट मैटर के क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा आएंगे। तो डेफिनेटली जो हमारे इवेंट्स के जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हम राजस्थान में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद हम नेशनल और उसके बाद हम इंटरनेशनल। तो इस तरह का जो हिरारकी अपनी रहेगी जिसमें हम स्टेट मैटर को
ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर आता है आपका ऑलवेज मेक नोट्स, जो भी आपको थोड़ी देर मैंने पहले ही बनाया, ऑन स्टेट पॉलिसी एंड देयर अचीवमेंट। तो ये हम अपने क्लासरूम जब अपनी शुरू होगी तो उसमें मैं आपको अपने इसके नोट्स या PDF प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कौन कौन सी स्टेट पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सा अचीवमेंट है, उसको आपको नोट्स के फॉर्म में बनाना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी टॉपर का अभी सुना होगा तो रीडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रिविजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये एक सभी सक्सेसफुल और जो मेरिट होल्डर बच्चे हैं, जिनका अगर इंटरव्यू आप कहीं पे देखेंगे अखबार में या यूट्यूब पे या वीडियोस देखेंगे, तो उनकी एक बात है, उन्होंने जितना पढ़ा उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूर किया है। तो ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है जिसको मैं ध्यान में रखूंगा अपने लेक्चर्स में, ताकि आपको मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज करवा सकूँ। 100% वी कैन कवर पॉलिटी एंड इकोनॉमी वाया करंट अफेयर। डेफिनेटली ये जो मेरा अप्रोच है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे अभी पॉलिटी के टॉपिक मैंने उठाए, अभी हमने पढ़ी क्या करंट अफेयर न्यूज़, लेकिन उसको मैंने लिंक किससे किया, एक पॉलिटी से। तो इसी अप्रोच के थ्रू हम हमारे सब्जेक्ट के सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे और अपने करंट अफेयर के साथ इन सब्जेक्ट को एसोसिएट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, जिसकी बात मैं स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में कर रहा था, कि मैं कंसेप्चुअल टीचिंग में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ताकि बेसिकली कंसेप्ट से बच्चों को मैं ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाऊँ और उनको एक कंसेप्चुअल नॉलेज से एक एक्यूरेसी दे पाऊँ, ताकि वो जब किसी आंसर को टिक करें, बिकॉज जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है माइंड के अंदर, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और यही कॉन्फिडेंस बच्चों को सिलेक्शन करवाता है। और फिर मेकिंग नोट्स फॉर रिविजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला है कि ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोस आपने देखे और उसको बात बंद कर दिया, नो, यू हैव टू बी मेक नोट्स, ताकि हाथ से लिखे हुए नोट्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे रिविजन में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिविजन इज़ अ की फैक्टर ऑफ योर सक्सेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हाउ टू स्कोर मेरिट इन एग्जाम। ये क्या है सर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अगर यहाँ पे एसोसिएट हुआ हूँ तो आपके सिलेक्शन के लिए एसोसिएट हुआ हूँ, और सिलेक्शन का मतलब क्या है, नाउ इट्स बिकम अ मेरिट। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप टॉप 100, टॉप 50 के अंदर अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हैं, तभी आप अपने आप को सिक्योर समझते हैं। और मेरा यही एक कोशिश है कि अपने विद्यार्थियों को मैं टॉप पे पहुँचाऊँ। तो टॉप पे पहुँचने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम, जो हम सबसे पहले करेंगे, कि आपको एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए मैं प्लस कोर्स लाऊंगा, उसमें पहले उसका कॉन्सेप्ट, उसका सिलेबस, उसका मेथड बहुत डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या लेवल है, जैसे ऑब्वियसली GS अगर हम देखें तो पटवारी में भी आता है और RS में भी आता है, लेकिन दोनों का जो डेप्थ है वो बहुत अलग है। एक एक की जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा एक सतही लेवल पे है, और दूसरे एग्जाम का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है एक ब्रॉड लेवल पे है। तो डेफिनेटली हमें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब यही होता है कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसी एग्जाम का मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, उसी एग्जाम के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका उसका मॉड्यूल तैयार किया जाए। तो डेफिनेटली ये चीज़ हम करेंगे। फोकस मोर ऑन GS विच पुश यू इन द टॉप स्कोर। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो मेरा सब्जेक्ट है करंट अफेयर या GS, ये आज के समय में बहुत ही डिसाइडिंग एक सब्जेक्ट हो गया है। देखिए, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ आपको, कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और ऐसे बच्चे आपको हज़ारों लाखों की तादाद में मिल जाएंगे, जिनमें से किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, किसी की रीजनिंग लाजवाब है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो बेसिकली दे आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके ये तीन सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको समझाऊँ कि बेसिकली आपको सिलेक्शन कौन करवाएगा, सिलेक्शन आपको, यानी आपको भीड़ से अलग कौन करेगा, हज़ारों से, लाखों से, हज़ारों में कौन लेके आएगा, और हज़ारों से, सैकड़ों में अगर कोई लेके आने वाला है आपको रैंक में, तो वो लेके आने वाला है GS। क्योंकि GS इज़ लाइक मैथ। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम करता है, यानी अगर आपको आता है देन यू हैव टू बी राइट। दूसरा पॉइंट GS के साथ क्या है कि बेसिकली GS आपका बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लेगा, यानी आपको 10 to 15 मिनट्स आप पूरा पेपर क्रिएट कर लोगे। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि बेसिकली डैमेज कंट्रोल सब्जेक्ट है, यानी अगर सपोज करो आपके मैथ्स में कुछ गड़बड़ हो गई या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट हुए, कुछ गलत हो गए जल्दबाजी में, तो अगर आपका GS का पेपर अच्छा हो रखा है, उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो वो आपको अभी भी इस पर्टिकुलर मेरिट में या बेसिकली एक जो कॉम्पिटिशन की जो रेस है उसमें आपको रखेगा। और अगर आपका थोड़ा बहुत भी नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपको मेरिट में भी ला देगा, यानी बेसिकली आपकी जो जॉब सिक्योर वाली जो पोजिशन है वो आपका GSE करके देगा। तो डेफिनेटली इस पर हम इसीलिए फोकस करते हैं। और अगर मेरिट में अगर हम आना है तो ऑब्वियसली GS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मेरिट में आगे की तरफ पुश करता है। यस, अदर सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस सब्जेक्ट विल प्रोवाइड यू अ बैक सपोर्ट, जो आपको एक हिसाब का हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे शरीर को क्या करती है, स्थायित्व देती है। तो आपके लाइफ को, आपके सिलेक्शन को स्थायित्व या आपको स्टेबिलिटी कौन देगा, GS। तो इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा डीप फोकस करेंगे, ताकि कहीं पर भी कोई भी गलती आपसे ना हो इसमें। चलिए,
हो गई। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई भी तरह का सजेशन आप मुझे देना चाहें, कमेंट आप कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। प्लीज़ हमारे इस परिवार, इस चैनल को, राजस्थान एग्जाम लेट्स क्रैक को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ आप प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरे क्लासेस की नोटिफिकेशन हो आप वो देख सकें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए, प्लस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अरे कहाँ जा रहे हो, 1 मिनट कि ये जो नीचे मेरा जो कोड है, अगर जो मैंने आपको सजेशन दिया था कि अगर आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए जाते हैं तो प्लीज़ मेरे इस सजेशन को गौर फरमाइएगा, क्योंकि बेसिकली अगर इस कंपटीशन को हम देखें तो एक अगर कोई स्टूडेंट 1 साल तक कंटिन्यूस किसी पर्टिकुलर एम के पीछे जाएगा डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। और इसीलिए मेरा मेन रीज़न था कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए ताकि बेसिकली आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को और हाई कर सकें और मेरे साथ आप एसोसिएट रहें। डेफिनेटली आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच रजत बोरा। और मेरा ये कोड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा RBYT, आपको 10% डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।